अगली खबर आ रही है खरगोन से, जहां एक युवक को खंभे से बांधकर पिटाई का वीडियो सामने आया है। एक किसान ने उस पर कपास चोरी का आरोप लगाया और अपने दो बेटों के साथ मिलकर खूब पिटाई की, उसके कपड़े भी फाड़ दिए। खरगोन में चोरी के शक में लोगों ने एक युवक की खंभे से बांधकर पिटाई कर दी, उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए, फिर सिर पर भारी पोटली रख दी। मारपीट के बाद लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्षों की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामला जिले के ग्राम जामन्या का है। 25 अक्टूबर की रात एक किसान सखाराम ने नूर सिंह पर कपास चोरी का आरोप लगाया। फिर किसान और उसके बेटे नहार सिंह व काशीराम ने नूर सिंह से मारपीट की, उसे खंभे से बांध दिया। इसके बाद भी मारपीट करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। ऊन थाना क्षेत्र के एएसआई चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि युवक की हालत में सुधार है। आरोपी के पास से 10 किलो कपास जब्त किया गया है। ऊन थाना प्रभारी गीता सोलंकी ने बताया कि घायल नूर सिंह की पत्नी लालीबाई ने सखाराम, उसके दो बेटे सहित अन्य के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। दूसरी ओर सखाराम ने नूर सिंह के खिलाफ खेत में कपास चोरी करने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ऊन थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले भी एक गोदाम से किसान को बंधक बनाकर कपास चोरी की वारदात हुई थी। चोरी के शक में ग्राम केली में एक महिला के कंधे पर पति को बैठाकर गांव में घुमाने का मामला भी इसी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने इन मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्षेत्र में लगातार ऐसी वारदात हो रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।